फिल्म निर्देशक जोया अख्तर ने अपनी लीक से हटकर बनाई गई फिल्मों से ये साबित कर दिया है कि वो अपने भाई फरहान अख्तर और पिता जावेद अख्तर से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। जोया न सिर्फ एक अच्छी निर्देशक हैं, बल्कि एक बेहतरीन लेखक व फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जोया अपनी हाल ही में रिलीज फिल्म द आर्चीज को लेकर सुर्खियों में रही हैं, जिसके लिए उन्हें तारीफ कम बल्कि स्टार किड्स को कास्ट करने के लिए आलोचना ज्यादा झेलनी पड़ी है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज ये फिल्म अब सक्सेस फिल्म की कतार में खड़ी हो गई है। पर इस बीच जोया अख्तर और रीमा कैतकी की एक और फिल्म हो गए हम कहां का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। हो गए हम कहां के ट्रेलर में तीन नौजवान दोस्तों के प्यार और ब्रेकअप के इमोशन को दिखाया गया है, जिसमें अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरा हैं, जबकि कल्कि कोचलिन भी अहम भूमिका में है। सोशल मीडिया के दौर को सेलिब्रेट करते इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म को अर्जुन वैरन सिंह ने निर्देशित किया है, जबकि जोया अख्तर और रीमा कैतकी ने इसे लिखा है। जोया की जे आर्चीज के बाद यह दूसरी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जोया अख्तर की फिल्में थिएटर के बजाय OTT पर क्यों रिलीज हो रही हैं? ये भी हो सकता है कि जोया ने OTT दर्शकों की नब्ज को भांप लिया है और वो उन्हीं के हिसाब से फिल्में बना रही हैं, जिसे शायद थिएटर में बॉक्स ऑफिस के तराजू में तौला जाए। बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर खरा उतरने के लिए बड़ा स्टार कास्ट व बड़े बजट की फिल्म बनाने की अपेक्षा जोया अब छोटे स्टार कास्ट के साथ OTT को बेस मानकर फिल्में बना रही हैं, जहां सिर्फ व्यूज की जरूरत है और अगर फिल्म को अच्छी व्यूअरशिप मिल गई तो फिल्म कामयाब मानी जाती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि OTT पर फिल्म रिलीज करना आम के आम गुठलियों के दाम जैसा है, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।